हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ITC के बारे में बात करेंगे, जो कि एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। ये स्टॉक्स अभी तक 500-600 लेवल पर ट्रेड कर रहना चाहिए था, बट इसका जो डिस्काउंट रेट में आपको मिल रहा है, इन्वेस्टर्स कैन मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट। आप अभी भी स्टॉक्स में बहुत अच्छा प्राइस है इसका, डिस्काउंट रेट में अभी जो इसका प्राइस है 207 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, और आगे दिन में चल के जो ITC का टारगेट बताया जा रहा है वो है 400-500। तो 400-500 इसका शॉर्ट टर्म इसका टारगेट बताया जा रहा है, और लॉन्ग टर्म में एक हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा स्टॉक्स बन सकता है। और ये जो बेस्ट FMCG कैटेगरी का स्टॉक्स है, इसमें से ITC एक है, और इसका नॉट ओनली FMCG, इसका टोबैको इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ITC एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आप बता सकते हो, क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत ही कम प्राइस में बाकी का जो FMCG जो कंपनी है उससे काफ़ी सस्ता दाम में आपको इस स्टॉक्स को खरीदने के लिए मौका अभी भी है। तो देखिए, ITC नॉट ओनली अ गुड ब्रांड, इट्स अ वेरी बिग कंपनी इन इंडिया, एंड इसका जो मैनेजमेंट है बहुत ही सही मैनेजमेंट है। इसका वास्ट वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, इसका टोबैको प्रोडक्ट्स, इसका ये कंपनी को एक यूनिक कंपनी बनाता है। ITC का जो बेस्ट पार्ट यही है कि ये स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया डिविडेंड भी देता है। डिविडेंड के मामले में ITC, TCS ये सारी से कंपनी बहुत पॉपुलर है। तो अभी भी अगर आपके पास ITC स्टॉक्स नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक्स आप बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हो, और शॉर्ट टर्म के लिए भी ये स्टॉक्स का जो टारगेट है ये 400-500 ये स्टॉक टारगेट को हिट करेगा। अभी देख लेते हैं स्टॉक्स का जो कुछ फंडामेंटल डिटेल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार इस स्टॉक्स ने 4 दिन, 16 जुलाई भी इस स्टॉक्स अप है, 15 जुलाई, 14 जुलाई से लगातार ये स्टॉक्स अप है। इस स्टॉक्स का अगर एक साल का पैटर्न देखोगे आप देख सकते हो स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिकवरी किया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ स्टॉक्स ने देखने के लिए मिला है। हालांकि स्टॉक्स का जो 3 ईयर्स का स्टॉक पैटर्न देखोगे, स्टॉक एक टाइम में 300 के ऊपर ट्रेड करता था, बट अभी ये स्टॉक्स जो यहाँ से लगातार फॉल डाउन होते होते अभी 200 के आसपास यहाँ भी ये ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखा जाए, ये स्टॉक्स देखिए 400 के आसपास था, वहाँ से यहाँ कहाँ पहुँच गया, 200 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो सपोर्ट जोन है ये 200 के लेवल पर है सपोर्ट जोन, इससे नीचे ये स्टॉक्स अभी मूव नहीं करने वाला है। और इसका जो BRS बुलिश व्यू आप देख सकते हो, सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड्स है, जो ब्रोकरेज हाउस है, इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न से भी इसको वेरी बुलिश बताया जा रहा है, इसको खरीदने के लिए आपको बताया जा रहा है वेरी बुलिश। इसका देखिए सारे के सारे पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे वेरी बुलिश, और मूविंग एवरेज भी 5 डेज से, 10 डेज से, यहाँ से 20 डेज से, 50 डेज से ये अप है। इसका मतलब है ये स्टॉक्स बुलिश है इन ईच एंड एवरी सेक्टर, ठीक है, इन टेक्निकल एज पर टेक्निकल डेटा। अगर देख रहे थे इसका जो की पैरामीटर्स है, स्टॉक्स का EPS है 10.62%, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। PE रेशियो है 19.58 है। डिविडेंड यील्ड आप देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड ये कंपनी देता है। मार्केट कैपिटल में भी ITC एक बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल इनके पास है। इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी बहुत ही सही है, 21% से भी ज़्यादा। अब देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए जो नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास है वो है 46%, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो है टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग के पास, और जो पर्पल कलर है वो है इंश्योरेंस कंपनी के पास इसका होल्डिंग है। तो ये टोटल प्रोमोटर्स, एंड ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं ये है FIS, मतलब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास इसका होल्डिंग है। ये वाला हो गया प्रोमोटर्स के पास, और ये है म्यूचुअल फंड्स के पास, और ये जो पर्पल कलर आप देख रहे हो कि ये है इंश्योरेंस कंपनी के पास है ये सेक्टर। और जो पूरा का पूरा जो रेड पार्ट है ये है आपका नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स एंड जो अदर इन्वेस्टर्स है उसके पास, ठीक है। तो ये स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाला है अगले दिन में चल के। अभी इसका जो रिज़ल्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर का यहाँ पे ये है वो है आपका प्रॉफिट, यहाँ पे जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है यह है इसका प्रॉफिट, एंड जो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का है वो है इनकम। तो आप देख सकते हो कंपनी का जो लास्ट 2000 मार्च 2021 में जो इसका इनकम है वो बहुत ही बढ़ गया है, यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी यहाँ पे
यहाँ पे इंक्रीमेंटल मोड पे आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी का जो ओवरऑल एसेट है वो बहुत ही ज़्यादा है और कंपनी लगभग डेट फ्री है। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे इनकम एंड प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा, बोथ इनकम एंड प्रॉफिट। तो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस ये तो स्टॉक्स बेहतरीन स्टॉक्स है ही, और ऊपर से इसको स्टॉक्स को अगर शॉर्ट टर्म में भी आप खरीदना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में इसका जो टारगेट मैंने बताया आपको 400 to 500, एंड लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया कर सकता है। इसका जो वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में है इन टर्म्स ऑफ FMCG एंड इसका जो टोबैको इंडस्ट्रीज, इसके चलते स्टॉक्स को यूनिक स्टॉक्स बनाता है। तो इसका जो अभी प्राइस जो चल रहा है 207 रुपीज़, इसके ये प्राइस पर आप इसको खरीद सकते हैं। और इसका जो सारे के सारे जो टेक्निकल एनालिसिस यही सजेस्ट करता है कि ये स्टॉक्स वेरी बुलिश है, कोई इसको नेगेटिव नहीं बोल रहा है। सारे के सारे जो ब्रोकर हाउस है वो भी स्टॉक्स को खरीदने के लिए सलाह दे रहा है। हालांकि इसका जो 5-day मूविंग एवरेज, 10-day मूविंग एवरेज, 20-day मूविंग एवरेज, 50-day मूविंग एवरेज सारे के सारे अप है, एक्सेप्ट द 100-day मूविंग एवरेज वो थोड़ा नेगेटिव है, बाकी 200-day मूविंग एवरेज भी हाई है। तो इस स्टॉक्स को यही साइन है कि बुलिश, मतलब इसको बाई खरीदने के लिए। तो इसको आप लॉन्ग टर्म में ज़रूर खरीदिए, आपको डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। एंड इस स्टॉक्स को जैसे ये अंडर वैल्यू स्टॉक्स है 207 रुपीज़ में मिल रहा है, एक दिन ये स्टॉक्स आपको 1000 के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न 1000% का भी रिटर्न लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स आपको रिटर्न दे सकता है। बहुत ही बढ़िया एक स्टॉक्स है इंडियन कंपनी में से। इसका जो मैनेजमेंट, इसका जो प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी का है, तो इसको आप ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कीजिए। और इसको आप भूल जाइए बाय करने के बाद, इसको ट्रैक मत कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है एंड ITC के बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड टिप्स मैं हर रोज़ पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते ही ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching.